खबर अलवर से है, जहां प्रेम विवाह से नाराज लड़की के परिजनों ने लड़के के पिता और भाई की निर्मम हत्या कर दी। अलवर के सदर थाना पहाड़ी बास गांव में इस घटना के बाद तनाव का माहौल बना हुआ है। पुलिस द्वारा मामले में तफ्तीश कर घटना के संबंध में जानकारी जुटा आरोपियों की तलाश की जा रही है। घटना को लेकर मृतक की पत्नी जसवंत ने सदर थाने में मुकदमा दर्ज करवाया है। मृतक की पत्नी ने बताया कि उनके छोटे बेटे शुभम ने स्नेहा नाम की युवती से कोर्ट में विवाह किया था और वो लोग कहीं अज्ञात जगह जाकर रहने लगे। इस शादी से स्नेहा के परिजन नाराज थे, जो लगातार जान से मारने की धमकी दे रहे थे। मामले में रंजिश रखते हुए रात करीब 1 बजे शुभम के पिता सूरज और शुभम का बड़ा भाई रॉबिन, जो कि गुड़गांव से आया और चिकानी स्टैंड पर उतरकर अपने सूरज के साथ बाइक पर घर जा रहा था। घर के करीब पहुंचने पर रास्ते में कुछ लोगों ने दोनों पर लठ और धारदार हथियार से हमला कर दिया और दोनों को गंभीर रूप से घायल कर दिया। दोनों घायलों को अलवर जिला अस्पताल लाया गया, जिन्हें चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। घटना को लेकर सदर थाना में आरोपियों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कराया गया है। अलवर से प्रदीप गोयल की रिपोर्ट। जो रॉबिन मेरा साला बड़े वाला, वो मेरे साथ ही गुड़गांव में काम करता था, मेरी दुकान पे ही 15 साल से काम कर रहा था। उसका कोई कसूर भी नहीं था और डैडी का भी कोई कसूर नहीं, क्योंकि शुभम जो छोटा वाला भाई है, वो लड़की लेकर के भागा था और आज तक उसका हमें ये नहीं पता वो रह कहाँ रहा है। फोन आता है, व्हाट्सएप पे आता है, अभी उसको ये भी नहीं पता कि बाप मर गया, भाई मर गया, कुछ उसको जानकारी इस बात की हम दे भी नहीं पा रहे, क्योंकि व्हाट्सएप से कॉल करता है, जब हम करते हैं तो वो कॉल नहीं मिलता। कभी कभार उसका कॉल आ रहा है, जी मैं वहां रह रहा हूँ, मैं वहां रह रहा हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो। मुख्य कारण यही है कि लड़की वाले कह रहे थे कि लड़की वापस ला के दो, हम उसे मारेंगे, और हम कहाँ से ला के दे हमारे को पता नहीं है, और पता भी चल जाए तो वो शुभम जो लड़की को लेकर ही भागा है वो आने नहीं देगा, और हम कोई वैसे तो है नहीं। और ये मान के चल रहे हमारे घर में आज 2 नहीं 3 मर गए, शुभम भी हमारे लिए आज के बाद मर गया, जो बाप के संस्कार हम उससे करवाएंगे भी नहीं, क्योंकि उसी के कारण से ये सब कुछ हुआ है। लड़की वालों की तरफ से कोई मुकदमा नहीं कराया गया था, क्योंकि लड़की ने कोर्ट में मैरिज करी है और अलवर कोर्ट में उसने बयान भी दिए हैं, बयान लड़की के हो चुके हैं और उसने वो बता चुकी है कि मेरे को खतरा है सबसे, अपने घर वालों से और मेरे इस परिवार को उस परिवार से खतरा है, और मुझे पुलिस प्रोटेक्शन दी जाए, तो पुलिस प्रोटेक्शन इनको मिली हुई है। पुलिस प्रोटेक्शन मिलने के बाद परिवार को ये हाल हुआ है कि 2 लोगों को सरेआम काट के मौत के घाट उतार दिया, सिर पे बहुत ज्यादा इस तरह से सिर काट दिया गया और पूरा खुल गया, दोनों को सेम एक ही तरीके से मारा गया, एक ही बाइक पे दोनों को मार दिया। चिकानी से जा रहे थे, उन्होंने अपने घर के पास ही मारा है, ये दोनों ही थे बाप बेटे, और बस उन्होंने पीछे से वार किया है मोटरसाइकिल से, ये फिर बेहोश गिर गए, कोई नहीं मिला फिर उसके बाद लड़की का। नहीं नहीं, इधर उधर लोगों से ही कहते थे, हमारे मुंह पे नहीं कहते थे, लोग बागों से ही कहते थे हम ऐसे करेंगे, इसको काट देंगे, लड़के को, लड़की को मार देंगे, जान से मारने की धमकी। हाँ, जान से मारने की धमकियां देते, जान से मारेंगे। आपके परिवार के किसी लोग को टॉर्चर किया है, कोई हमला किया था पहले? परिवार को तो नहीं किया, लोगों हमारे अभी किया ये हमला रात को, वो अभी लेना था उस टाइम, चल लड़की लड़के जब घर आएंगे तो ले लेंगे, तो घर ले आएंगे। देखिए, ये एक सूरज और रॉबिन, सूरज पिता हैं और रॉबिन उनके पुत्र हैं, ये जो है रहने वाले हैं ककराली गांव के, और रात्रि में इनका इनके पड़ोस में रहने वाले दयाल और उसके कुछ परिजनों से झगड़ा हुआ और उस मामूली कहासुनी में ही जो है मारपीट हुई और लाठी से शायद उनके सर पर चोट आई, जिस वजह से उनको जब अस्पताल ले जाया गया तो उनकी मृत्यु हो गई। उनके सन इन लॉ की रिपोर्ट पर पुलिस द्वारा प्रकरण दर्ज किया गया है और जो उनकी डेड बॉडी मॉर्चरी में रखाई गई है और जो संदिग्ध आरोपी हैं उनको पुलिस ने हिरासत में लेके उनसे पूछताछ कर रही है। जल्दी ही घटना को क्लियर करके जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई, अरेस्ट वगैरह अमल में लाई जाएगी। वो अभी एक्चुअली एग्जैक्टली क्लियर नहीं है, ऐसा लगता है कि इनके परिवार में जो आरोपी गणे, इनके परिवार की किसी महिला ने जो विक्टिम है उनके परिवार के किसी व्यक्ति के साथ प्रेम विवाह किया, वो कब हुआ और क्या हुआ वो अभी तक तथ्य क्लियर नहीं है। जैसे अनुसंधान होगा तो उसमें
इस बात पे और क्लैरिटी आ जाएगी कि झगड़े की असली वजह क्या रही। कितने आरोपी अभी आइडेंटिफाइड पुलिस ने किए? नहीं देखिए, उन्होंने मेन जो एफआईआर में दयाल और उसके तीन चार परिजनों के खिलाफ कराया, तो अभी जांच कर रहे हैं किसका क्या झगड़े में रोल है, उस हिसाब से कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।